हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दिन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा। आपने देखा होगा हाल ही में वो वीडियो, कैसे थप्पड़ मारा था केजरीवाल के जीप पे चढ़ के वो व्यक्ति सुरेश कुमार। क्या आप कार्यकर्ता है? क्योंकि जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रही है, हालांकि पुलिस का भी ये बयान आया था कि वो आप पार्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रही हैं उनमें उस व्यक्ति का फोटो शेयर किया जा रहा है। आप वो सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, ये मिस्टर प्रेम वर्मा हैं, ये लिख रहे हैं फेसबुक पर उस बंदे के फ़ोटो के साथ। फ़ोटो में आप देख रहे होंगे कैसे काला घेरा करके उस व्यक्ति को लिया हुआ उस घेरे में। आसपास आपकी टोपी लगाए हुए लोग खड़े हैं, वो खुद भी एक कैप लगाए हुए हैं आप वाली। उसमें वो लिख रहे हैं कि ये है सुरेश कुमार जिसने केजरी के थप्पड़ मारा, समझाए समझ गए या समझाऊं, ये चुनावी थप्पड़ था जिसने दिल्ली वालों को मूर्ख बनाकर हमदर्दी ली जा सके और मोदी पर आरोप लगवा के माहौल ख़राब किया जा सके। सुरेश आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, 5 साल सिर्फ बवाल खाओ, थप्पड़ करो, धमाल, निवेदन है इसे खूब शेयर करें। एक दूसरी पोस्ट देख रहे हैं आप, ये हैं राकेश यादव जी, वो लिख रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। ये सारी बातें उसी फोटो के साथ शेयर की जा रही हैं जिसे सुरेश कुमार बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कैसे ये आप पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। इसमें दो बयान आए थे, एक बयान आया था पुलिस का, पुलिस ने बयान दिया था कि उस व्यक्ति ने बताया है कि वो आपका कार्यकर्ता रहा है और अब वो गुस्से में है क्योंकि आप अपने वायदे पूरे नहीं कर पाई। एक चैनल पे सुरेश कुमार की बीवी का एक छोटा सा बयान था जिसमें वो कह रही थी कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है तो सुरेश कुमार को गुस्सा आ जाता था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ये दो वर्जन अलग अलग सामने आ रहे थे, और ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट में सुरेश कुमार का फोटो घूमना शुरू हुआ, तो हमने इसकी पड़ताल की, क्या ये व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर जिसका फोटो शेयर किया जा रहा है, क्या वो वाकई में वही सुरेश कुमार है जिसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। तो हमने अपने रिपोर्टर्स को लगाया, आप पार्टी के लोगों से बात की, उस व्यक्ति की पहचान की, तो पता चला जिस व्यक्ति का फोटो शेयर किया जा रहा है वो वाकई में आप पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन वो सुरेश कुमार नहीं है। इस व्यक्ति का नाम है सुशील चौहान, और हमने इसके, आप भी जा सकते हैं इस सुशील चौहान के फेसबुक के प्रोफाइल पर, आप जा सकते हैं, आप वहाँ पाएंगे। इस व्यक्ति ने अपना जो पद प्रोफाइल दिया हुआ है वो है प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी JJ सेल। JJ सेल क्या है? दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी सेल अलग से बनाई जाती है, BJP की भी है, हो सकता है कांग्रेस की भी हो, और आम आदमी पार्टी की भी है। झुग्गी झोंपड़ी सेल का प्रदेश अध्यक्ष है सुशील चौहान नाम है। आप इनकी प्रोफाइल पर जाएंगे तो अलग अलग तरह के फ़ोटो देखेंगे जिसमें ये जो लाल कुर्ता है ये वाकई में कई बार उन्होंने पहन रखा है, उनका फेवरेट रहा होगा। काला कुर्ता भी उन्होंने कई बार पहन रखा है। कई सारे जो आप पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं, कई तरह के प्रोटेस्ट मार्च में इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सारे चीज़ों से ये साबित होता है कि सुशील चौहान लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन सुशील चौहान सुरेश कुमार नहीं है, क्योंकि सुरेश कुमार का अभी तक कोई फोटो बाहर नहीं आ पाया, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं मिला, पुलिस ने जारी नहीं किया। वीडियो में भी वो पीछे से वार करते हुए दिखे, ऐसे में लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आप देखेंगे कि सुरेश कुमार और इनके जो सुरेश कुमार ने टी शर्ट पहन रखी थी जिस वक्त थप्पड़ मारा था, और इनका ये कुर्ता है, नीचे सुरेश कुमार की डार्क पैंट थी जबकि ये वाइट पैंट है, काफ़ी अलग है। तो और ऐसे में आप और तरीकों से चेक कर सकते हैं, खुद जाएं सोशल मीडिया पर और सुशील चौहान का प्रोफाइल देखें और इस फोटो से मिलाएं। तो उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद, इस क्लेरिफिकेशन के बाद आपने समझ लिया होगा कि ये वो सुरेश कुमार नहीं है जिसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। इसलिए इस पोस्ट को जो आप शेयर कर रहे हैं, अगर आपने गलती से शेयर किए तो उन्हें बता दें कि ये वो सुरेश कुमार नहीं है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।